दादा को चाची को ताया को ताई को खालू को खाला को मामू को मामी को अम्मी को अब्बू को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो कौन सा तीर मारा तो मैंने देखा कि खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था अब बड़ा खुश खुश था तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत इतना खूबसूरत है कितना सज धज गया है और कितना खुश है कौन था ये। रोज पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। वो कोई इंसान नहीं था वो कौन था ईद का चांद था और मुझसे इजाजत लेने आया था। हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। Literally, no one. सुबह 8 बजे दिन के 12:15 बजे दोपहर 3:15 बजे रात 8:15 बजे रात 11:00 बजे रात 11:00 बजे। When engineer Ali Mirza says Eid Mubarak to all sects. Eid Mubarak to you, all of you lot. Eid Mubarak. Flipping enjoy it, man. Because when the next Eid comes, barbecue. Jeez, are you going? Come back. I'm joking. That's next Eid. It's not this Eid. I was joking. I'm not going to eat yours. Come back. No. Kasmi, I'm joking. But flipping. Heck, looks like we're having dal, man. अगर तुम्हें बकरी खरीदनी है बकरी का दूध दोना नहीं है बकरी से कोई काम नहीं है तो हज़रत मारूफ करखी कहते तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मौलवी ने दिमाग ही दुए पासे जाता है। मादा बकरी जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा को ही कहते हैं लेकिन बकरी के थन को देखने से परहेज किया करो। ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अबे भाई यार मैं क्या बोलूं इस आदमी को। ख्वातीन हजरात एक जरूरी ऐलान। बकरा ईद के 3 दिन न 2G न 3G न 4G न वोल्टी ओनली कलेजी।
And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Hey, मेरे चुरियां नजर आऊँगा। पानी ले आओ। Hey, मेरे बचाओ। Hey, मेरे चुरियां नजर आऊँगा। भैया कैसे? एक मिनट, Hey, मेरे बचाओ। ठहर तो रहा। नहीं। Hey, मेरे चुरी फेर लो छेद छेदी। केड़ी चुरियों पाई मैं तो शुगर लगा। वहाबी या देवबंदी या जमाते इस्लामी के या बदअकीदा लोगों से ज़बह कर दिया तो आपकी कुर्बानी भी नहीं होगी और आपका ज़बीहा मुर्दार तसव्वुर किया जाएगा। The pain behind his smile had me crying. क्या सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी और अहले हदीस वगैरह एक ही कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं? नहीं नहीं हो सकते। करके तक देख लो नहीं होते। शरी तौर पे हो सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं होंगे। हाँ जाहिर है वो तो एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं समझते। वैसे आपके डर की वजह से ना कहें, आप कहें ना किसी ये सबस पगड़ी वाले को कि एक बद मजहब वहाबी है, उसका आपके जानवर में हिस्सा डालना है, तो वो कहेगा पहले तो उसको तुझे मैं ज़बह करूंगा ना जो तू मेरी इस तरफ कर रहा है। अहले हदीस से कहेंगे एक कब्र प्रस्त कब्रों का पुजारी है एक बरेलवी टाइप बंदा, तो कहेंगे जनाब आपने हमारी कुर्बानी जाया करनी। इसमें मैं ऑलरेडी एक क्लिप भी रिकॉर्डेड मौजूद है भाई, जो कलमा को मुसलमान है ना उसमें चाहे कोई भी ऐप पाया जाता है वो मुसलमान है ना तो उसको आप कुर्बानी में शरीक कर सकते हैं। बाकी आपका दिल नहीं मानता आप ना करें, अपने अपने बरेलवी बरेलवियों में करें, देवबंदी देवबंदियों में करें, अहले हदीस अहले हदीस में करें, शिया शिया में करें। बेतराफियत इसी में ही है कि अपने कुफ में कुर्बानी करें। इनका कुफ यही है ना। सही। किसी की जगह तो खलो वो यार ना भूल जाओ। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इमोशनल डैमेज। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।